हेलो एवरीवन, वेलकम बैक निमिषा स्मार्ट कुकिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं निमिषा, तो आज मैं मेदू वड़े की वीडियो लेके आई हूँ। एकदम टेस्टी और एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी बनाना, और एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 कप मैंने उड़द दाल ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 4 घंटे के लिए सो कर लिया था। तो इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो पानी निकाल के फिर 1 टेबलस्पून जितना हमें पानी ऐड करके एकदम से फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो तीसरा थोड़े से एक बाउल में पानी ले लीजिएगा। थोड़ा सा एक डाल के देखिएगा, अगर ऊपर ये तैर रहा है इसका मतलब है कि आपका बैटर परफेक्ट बना है। तो है ना, इतना सिंपल। तो इसी तरह से मैंने बना लिया है। तो इसे इसी तरह से सारे बैटर मैंने रेडी कर लिया है। उसे 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख लिया था, थोड़ा ठंडा हो जाए इसीलिए। और उसके बाद में हम देख लेते हैं क्या करना है। एक बारीक चॉप किया हुआ मैंने प्याज ऐड कर लिया है। एक चॉप प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसे ऐड कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची को कट कर लिया था। थोड़ा सा कड़ी पत्ता कट करके ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेट करके ऐड कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर लिया है। उसके बाद में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। इन सारी चीज़ को एक बार ही हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ना एकदम सिंपल है, एकदम टेस्टी से बनेगा। अगर आप इसके अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा या चिल्ली फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो चुका है। एक साइड में मैंने पानी भी ले लिया है। तो इसे थोड़ा सा हाथ गीला कर लेंगे हम। तो इस तरह से बैटर को हाथ में ले लेते हैं और बीच में एक होल कर लेंगे। थोड़ा पानी में डिप करके कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट इस तरह से होल बन जाता है। तो मैंने इस तरह तेल में डाल दिया है। तो एक बार डाली तब दिखा नहीं पाई, दूसरी बार मैं आपको डाल बता देती हूँ। तो इस तरह से आपको आराम से डाल देना है, बिल्कुल हड़बड़ी करनी नहीं है। तो अब एक से हाई फ्लेम पे पहले मैंने कर लिया था, मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे। जब तक क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे कोकोनट चटनी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलेगा, उसमें ऑल वाला ऑप्शन क्लिक करना, तो ये मेरे नए नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।